गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए मार्कर्स और जेनेटिक मार्कर्स की। एक जो आइडियल जेनेटिक मार्कर है या डीएनए मार्कर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट है, इट मस्ट बी पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। कोई भी मॉलिक्यूलर मार्कर है या डीएनए मार्कर है वो पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए नेचर में, कि दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में वो डिफरेंट क्रिएट कर सके। अगर उसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगी तो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता और अपन उसके बारे में पता नहीं लगा सकते। इसलिए जो भी डीएनए मार्कर है वो पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए। सेकंड, कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस। अपन जानते हैं कि जो आपके डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव जीन के एक्सप्रेस को दबा देता है। इसलिए हमेशा जो भी मॉलिक्यूलर मार्कर है वो कोडोमिनेंट नेचर का होना चाहिए, कि कोई अगर रिसेसिव जीन है तो उसके भी पॉलीमॉर्फिज्म को है वो पता लगा सकें, और जो आपके डोमिनेंट जीन है जो उसके भी पॉलीमॉर्फिज्म है तो उसको पता लगा सकें। इसलिए कोडोमिनेंट उनकी इनहेरिटेंस होनी चाहिए। ए मार्कर शुड बी इवनली एंड फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम। जो आपके डीएनए मार्कर हैं वो आपके डीएनए सीक्वेंस में, डीएनए सीक्वेंस है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं एक जगह प्रेजेंट है और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा है, या किसी जगह है ही नहीं और किसी जगह बहुत कम है। उनका यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डीएनए मार्कर्स शुड बी ईजी, फास्ट एंड चीप टू डिटेक्ट। जो आपका डीएनए मार्कर्स हैं वो टेक्निक है वो ईजी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। जो भी डीएनए मार्कर हैं उनका जो एक्सप्रेशन है वो एक ऐसा ट्रेड प्रोड्यूस करना चाहिए जिसकी सहायता से अपन आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसे नहीं कि कोई डीएनए मार्कर है वो एक आपका जनरेशन में प्रेजेंट है और नेक्स्ट जनरेशन में एब्सेंट है। इसलिए उनकी नेचर है वो रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, और जो डीएनए मार्कर्स हैं उनका यूनिवर्सल होने चाहिए, जिससे कि अपन उनके डाटा हैं वो दो लेबोरेटरीज के बीच में एक्सचेंज कर सकें। ये एक मॉलिकुलर मार्कर या आइडियल जेनेटिक मार्कर की प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट है वो कंपेरिजन ऑफ द मोस्ट ब्रॉडली यूज टेक्निक ऑफ मॉलिकुलर मार्कर्स, कि जो अपन डिफरेंट प्रकार के मॉलिकुलर टेक्निक या डीएनए मार्कर्स काम में लेते हैं उनमें क्या क्या उनका तुलनात्मक अध्ययन। तो डीएनए रिक्वायर्ड इन माइक्रोग्राम, तो आरएफएलपी है उसमें जो आपका डीएनए है उसकी अमाउंट 10 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जबकि आरएपीडी में अगर 0.02 माइक्रोग्राम डीएनए भी है तो भी आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कैरी आउट हो जाएगा। जबकि एएफएलपी में है वो आपके इन दोनों के इंटरमीडिएट में 0.5 माइक्रोग्राम से 1 माइक्रोग्राम डीएनए की रिक्वायरमेंट आवश्यक होती है। जबकि जो आपके माइक्रो सैटेलाइट है जिनको अपन सिंपल सिक्वेंस रिपीट करते हैं उनमें 0.05 डीएनए की अमाउंट है वो रिक्वायर्ड होती है। सेकंड है डीएनए की क्वालिटी, डीएनए कैसी होना चाहिए, कि भाई वो आपका प्यूरिफाइड है या मिक्स्ड है, किस प्रकार का है। आरएफएलपी में है वो डीएनए की क्वालिटी है वो हाई रिक्वायर्ड होती है, आरएपीडी में भी हाई होती है, जबकि एएफएलपी और एसएसआर में मॉडरेट क्वालिटी का डीएनए भी आपका एक्सपेरिमेंट के लिए काम चल सकता है। अब आपका कौन सा टेक्निक है वो पीसीआर बेस्ड है और कौन सी नॉन पीसीआर बेस्ड है, तो थर्ड करेक्टर हैं वो हैं आरएफएलपी हैं वो आपकी नॉन पीसीआर बेस्ड हैं, जबकि आरएपीडी, एफएलपी और एसएसआर हैं वो आपकी पीसीआर बेस्ड टेक्निक्स हैं। पीसीआर इनमें रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट फीचर है वो नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिक लोसाई एनालाइज्ड बाय टेक्निक। आरएफएलपी में है वो 1 से 3 पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस है वो एनालाइज कर सकते हैं, जबकि आरएपीडी के द्वारा अपन 1.5 से 50 पॉलीमॉर्फिक अगर कोई सीक्वेंस वेरी है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि एएफएलपी में इन दोनों से
ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस को अपन आइडेंटिफाई या एनालाइज कर सकते हैं 20 से 100 तक की। और SSR माइक्रोसैटेलाइट टेक्निक में अपन 1 से 3 तक की पॉलीमॉर्फिक लोसाई को हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है ईज ऑफ यूज, कि जो अपन टेक्निक काम में ले रहे हैं उसकी हैंडलिंग कैसी है, कि भाई वो डिफ़िकल्ट है या ईजी है या कैसी है। RFLP टेक्निक है वो ईजी नहीं है या डिफ़िकल्ट हैं, जबकि जो आपके RAPD, FLP और SSR टेक्निक हैं वो उनकी हैंडलिंग है वो ईजी रहती है। नेक्स्ट फीचर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो आपका DNA मार्कर है उसको यूज में लिया उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितनी है। तो जो आपका RFLP मार्कर है उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी हाई होती है, और RAPD मार्कर की जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो अनरिलायबल होती है, क्योंकि यह रेंडमली एम्प्लीफाइड करता है इसलिए इसकी अनरिलायबल होती है, जबकि AFLP और SSR की रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हाई होती है। नेक्स्ट फीचर है डेवलपमेंट कॉस्ट, कि आपकी कौन सी टेक्निक हैं वो इनमें कॉस्ट इफेक्टिव हैं। तो RFLP टेक्निक हैं वो आपकी लो कॉस्ट इफेक्टिव है, RAPD भी सस्ती है, और AFLP है वो इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी हाई है, जबकि SSR और जिसको माइक्रोसैटेलाइट टेक्निक कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। कॉस्ट पर एनालिसिस, कि एनालिसिस में है वो कौन सी टेक्निक, वो तो डेवलपमेंट के बेसिस पे था पहले वाला फीचर। अब कि अपन अगर सीक्वेंस को, अगर पॉलीमॉर्फिक DNA को आइडेंटिफाई करते हैं तो कौन सी सीक्वेंस, कौन सी टेक्निक है वो ज़्यादा कॉस्टली है, तो इनमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं वो आपका RFLP पड़ता है एनालिसिस के हिसाब से, फिर उसके बाद में AFLP, और जो आपके RAPD और SSR टेक्निक हैं वो दोनों क्या हैं, चीप टेक्निक्स हैं आइडेंटिफाई करने में। अब अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे आपके RFLP टेक्निक के बारे में।